ऑस्ट्रेलिया ने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम को चारों खाने चित कर दिया। 6 विकेटों से भारत को मात देकर छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम किया। लगभग 40 दिनों तक चले इस वर्ल्ड कप में क्रिकेटर्स ने काफी उतार चढ़ाव देखे, लेकिन ये इवेंट किसी फिल्म से कम रोमांचक नहीं था। ऐसे में देखे इस वर्ल्ड कप के कुछ खास यादगार लम्हे। किंग कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। इस वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से काफी शानदार पारियां निकली। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के ओडीआई में 49 शतकों के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया और 50 शतकों से एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। कोहली ने यह रिकॉर्ड सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई भिड़ंत में बनाया। विराट कोहली का ये शतक दिखाता है उनकी मेहनत, लगन और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किए गए उनके बलिदानों को। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में 700 रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 2003 वर्ल्ड कप में 11 मैचों में बनाए गए 673 रनों के रिकॉर्ड को इसके साथ तोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विराट कोहली किसी वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैचों में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। कोहली की शानदार पारियां लोगों के जहन में सालों साल जिंदा रहेंगी। ये तस्वीर दिखाती है क्रिकेट के महान जज्बे को। इस तरह की पारियां इतिहास में एक आध बार ही देखने को मिलती हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल के दोहरे शतक से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। 91 रनों पर 7 विकेट खो चुकी ऑस्ट्रेलिया की वापसी की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। क्रैम्प से जूझने के बावजूद ग्लेन मैक्सवेल ने हार नहीं मानी और खेल को जारी रखा। फुटवर्क को कम कर एक ही जगह से लंबे शॉट खेलते हुए ग्लेन ने 201 रन बनाकर अपनी टीम को मैच में जीत दिलाई। मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप की शुरुआत बेंच से की थी और टीम में आते ही बल्लेबाजों में अपना खौफ कायम कर दिया। हार्दिक पांड्या की इंजरी शमी के लिए टीम में वापसी का रास्ता बनी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में शमी ने अपनी गेंदबाजी से सबको हैरत में डाल दिया। जिस फ्लैट पिच पर बल्लेबाज रन जड़ने के लिए जाने जाते हैं, वहां 57 रन देकर शमी ने 7 विकेट झटके। शमी की घातक स्विंग ने न्यूजीलैंड को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। शमी के दम पर टीम ने आसानी से फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया। एंजेलो मैथ्यू की फ्रस्ट्रेशन से भरी ये तस्वीर बांग्लादेश द्वारा उन्हें टाइम आउट दिए जाने के बाद की है। लंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यू क्रिकेट के 146 सालों के इतिहास में वर्ल्ड कप में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये सारी घटना बांग्लादेश के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर में श्रीलंका के साथ हुई। सदीरा समर विक्रमा के आउट होने के बाद पिच पर बल्लेबाजी करने एंजेलो मैथ्यू आए। हालांकि वो बल्लेबाजी कर पाते, उन्होंने देखा कि उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप टूट गया है। मैथ्यू ने हेलमेट रिप्लेसमेंट का इशारा किया। ऐसे में स्थिति का फायदा उठाते हुए शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील कर दी। मैथ्यू ने अंपायर्स के साथ इस पर चर्चा की। अंपायर्स ने ऐसे में शाकिब अल हसन से बात करने की कोशिश की, लेकिन शाकिब अल हसन नहीं माने और एंजेलो मैथ्यू को टाइम आउट दे दिया गया। कई चुनौतियों के बावजूद अफगानिस्तान का आगे बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अफगानिस्तान पहले भी वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन उस दौरान वो सिर्फ स्कॉटलैंड से ही एक मैच जीत पाई थी। वहीं 2023 में अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया। रहमानुल्लाह ने बतौर ओपनर इंग्लैंड के खिलाफ काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया और जीत पर मुहर लगाई। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को काफी बड़ा चैलेंज दिया। उनके लिए टारगेट को अफगानिस्तान ने आसानी से डिफेंड कर लिया। अफगान पठान इब्राहिम जादरान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मुकाबले में शतक जड़ा। एक के बाद एक टीम ने श्रीलंका और नीदरलैंड के खिलाफ भी जीत हासिल की। इंग्लैंड के खिलाफ जीत अफगानिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस जीत ने साबित कर दिया था कि ये महज एक लक नहीं है। अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हराने का मादा रखती है।